ना मैं लाठी खाने से डरता हूँ, ना मैं उनकी पानी की बौछारों से डरता हूँ। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जब सड़क पर उतरेगी, अगर पहली लाठी चलेगी शासन प्रशासन की तरफ से, तो चिराग पासवान खुद अपने सर पर लेगा ना, कि पिछले 15 साल में अपनी सिर्फ 5 उपलब्धियां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बता दें। जिस दिन वो बता देंगे मैं मान लूंगा कि उन्होंने कहा। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं, मैं हूं करिश्मा। लोक जनशक्ति रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान आज पटना पहुंचे। पटना पहुंचते ही उन्होंने ये कहा कि 15 फरवरी को वो आक्रोश मार्च निकालने जा रहे हैं और उनको नीतीश कुमार की लाठी डंडे से डर नहीं लगता। चिराग पासवान ने साफ तौर से ये कह दिया है कि नीतीश कुमार की जो पुलिस है वो भले ही पानी की बौछार कर ले, आंसू गैस के गोले छोड़ ले और लाठी बरसा दे, लेकिन चिराग पासवान डरने वाले नहीं है। आपको बता दें कि चिराग पासवान अपनी माँ, बहन और जीजा के साथ आज पटना एयरपोर्ट पहुँचे और उनका कहना था कि वो अब लंबे समय तक पटना में ही रहेंगे, क्योंकि उन्हें बहुत सारी जिम्मेवारियाँ हैं, बहुत सारा काम है, इसके कारण वो अपने परिवार के साथ पटना आ गए हैं। पहले सुनिए चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं। माँ के साथ आया हूँ, पूरे परिवार के साथ आया हूँ, सिस्टर हैं, उनके दोनों बच्चे हैं, जीजा जी हैं, पूरा परिवार आज लंबे समय के बाद पटना में सब लोग एक ही साथ हैं। लंबे समय तक अब यहाँ पे रुकने का है, क्योंकि मेरी एक लंबी लड़ाई है, लंबा आंदोलन है, जिसका आगाज हम लोग 15 तारीख से कर रहे हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि मेरा परिवार यहाँ पर रहे, साथ में सब लोग रहते हैं। तो जो दिल्ली जाना होता है, तो इसलिए मैंने आग्रह किया। तो इस बार लंबे समय तक मम्मी, परिवार पूरा, सिस्टर, उनके बच्चे सब लोग अभी यहीं पे ही हैं। सड़कों पर उतरना है, संघर्ष करना है, हो सकता है चिराग पासवान को लाठी भी खाना पड़े। बिल्कुल तैयार हैं, और यही वादा मैंने अपने तमाम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के तमाम कार्यकर्ताओं से किया है कि आगामी 15 तारीख को जो मौजूदा सरकार की कुव्यवस्था और कुनीतियों के खिलाफ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जब सड़क पर उतरेगी, अगर पहली लाठी चलेगी शासन प्रशासन की तरफ से, तो वो चिराग पासवान खुद अपने सर पर लेगा। तो ना मैं लाठी खाने से डरता हूँ, ना मैं उनकी पानी की बौछारों से डरता हूँ, ना वो आंसू गैस का इस्तेमाल करें, जो करना कर लें। भाई आपने पहले ही सारी शक्तियाँ इस्तेमाल करके देख लिया, मेरे परिवार को तोड़कर देख लिया, मेरी पार्टी को मुझे ही मेरी पार्टी से अलग करके देख लिया। तो जितना आपको करना है मेरे साथ, अब लाठियाँ चलानी है कि मुझे गिरफ्तार करना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं, पर मैं जिस बिहार को लेकर, मैं महामहिम राज्यपाल जी के समक्ष बिहार की जिन तकलीफों को लेकर, भाई आज बिहार बचाओ मार्च पर अगर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को निकलना पड़ा है, मेरे नेता, मेरे पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी भी 2 बार बिहार बचाओ यात्रा पर निकले थे, और दोनों बार उन्होंने बिहार सरकार की कुनीतियों के खिलाफ उन्होंने मजबूती से संघर्ष उन्होंने किया था। उन्हीं का अंश हूँ आज, उन्हीं के नक्शों कदमों पर चलते हुए बिहार बचाओ मार्च लेकर हम लोग निकले हैं, और बिहार को बचाने की जरूरत है। जिस तरीके से शराबबंदी में एक माँ के साथ आने से आपकी पार्टी को बूस्टर मिलेगा या उसी चुनाव में बिहार? देखिए, मुझे तो जरूर बूस्टर मिलेगा, बाकी कार्यकर्ताओं को मिल रहा है कि नहीं यही बताएंगे। नीतीश कुमार इसलिए कहते हैं, आपको कुछ पता है कितना पंजाब जी या कितना रोजगार किया, कुछ पता है? भाई बता दीजिए हमको मुख्यमंत्री जी, जो आप बार बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं कि आपको कुछ पता है, वो तो सब हर किसी के लिए कहते हैं। जब उन्हीं की उप मुख्यमंत्री साहिबा जब इस बात का जिक्र करती हैं कि केंद्र ज़्यादा राशि बिहार को दे रहा है, बनिस्पत अगर विशेष राज्य का दर्जा मिले, तो वो मुख्यमंत्री साहिबा को भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं कि अरे उनको कुछ पता है, वो कुछ जानती हैं। हम अगर कुछ बोलते हैं तो बोलते हैं अरे इनको कुछ पता है, कुछ जानता है। छात्र सड़क पर उतरते हैं तो बोलते हैं इन लोगों को कुछ पता है जा। अरे मुख्यमंत्री जी, अगर सब आप ही को पता है, अगर सब कुछ आप ही जानते हैं, तो एक बार बता दीजिए ना हम लोगों को, बता दीजिए कि आज जो बिहार को आपने इतना विकसित बना दिया, बिहार का हर व्यक्ति आज रोजगार पाकर बैठा हुआ है, यहाँ पर सब सुख सुविधाएं हो गई हैं, तो बता दीजिए कि इतना विकास आपने किया। हम तो यही जानना चाह रहे हैं ना, कि पिछले 15 साल में अपनी सिर्फ 5 उपलब्धियां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बता दें। जिस दिन वो बता देंगे मैं मान लूंगा कि उन्होंने काम किया। भाई उन्होंने उनको जिस अर्थ में समाजवादी कहा है,
अगर परिवारवाद को आगे नहीं लेकर जाना एक समाजवाद का अगर एक पहलू है तो हाँ सही बात है भाई, उसमें मैं क्या टिप्पणी करूँ। उनके परिवार से हकीकत है कि नहीं, और इस बात को तो मैं भी स्वीकारता हूँ, तो इसमें क्या गलत बात कही प्रधानमंत्री जी ने। तो आपने सुना चिराग पासवान, वो साफ तौर पे उनका कहना है कि उन्हें नीतीश की लाठी से डर नहीं लगता। इसके साथ ही साथ उन्होंने प्रधानमंत्री के समाजवाद वाले बयान का भी समर्थन किया है। आपको बता दें कि लंबे समय के बाद चिराग पासवान आज पटना एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पर मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए उन्होंने ये कहा कि 15 फरवरी को वो आक्रोश मार्च निकालने जा रहे हैं, इसको लेकर वो अपने पूरे परिवार के साथ पटना आ गए हैं। बिहार से जुड़ी हुई तमाम अपडेट के लिए आप देखते रहें लाइव बिहार। धन्यवाद। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले और फेसबुक पर लाइक करना न भूलें। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।